हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल उषा शाह व्लॉग्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फंटास्टिक होंगे, झक्कास होंगे और इसी तरीके से रहेगा। और अपना ना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। सो अभी मैंने हेयर वॉश किया है एंड ड्राई बिल्कुल नहीं किया है, बहुत ज़्यादा मेरा बाल गीला गीला सा है, बट मैंने मेकअप कर लिया है, देख रहे हो मुझे, क्योंकि मुझे कैमरा के सामने आप लोगों के सामने अपने हेयर को ड्राई करना था विथ वाइट गमछे के साथ। सो आज की वीडियो यही होने वाली है, मैं अपने हेयर्स को ट्राई करूंगी वाइट गमछे के साथ आप लोगों के सामने विदाउट एनी स्किप के या फिर एडिट किए आपके सामने ये वीडियो आज मैं आप लोगों को रियल साउंड में आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो क्या करना होगा आपको, उसके लिए लाइक करना होगा, ठीक है? यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट योर टाइम। सो गाइस, अभी मैं आपको बता दूँ, मेरे हेयर पूरे गीले हैं, बस मैंने मेकअप किया है एंड अभी तक मेरे हेयर सूखे नहीं है। तो जल्दी से अपने हेयर्स को ड्राई करते हैं। एंड हेयर्स ड्राई करना ना बहुत मतलब नेचुरल वाला ड्राई करना चाहिए, ठीक है? कभी भी आप हेयर ड्रायर यूज़ करते हो ना, उससे आपके हेयर ना बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होते हैं, रफ होते हैं एंड रूखे सूखे से लगते हैं, ठीक है? तो जितना हो सके आप ना हमेशा मतलब नॉर्मल जैसे डे पे दिन पे बाहर ऐसे ही सुखाया करो अपने बाल को। कभी भी ज़्यादा हीट वाले चीज़ें यूज़ मत किया करो, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम होने लगती है जिससे। सो या चलिए, बातें तो हो गई बहुत ज़्यादा क्योंकि मैं बातें बहुत करती हूँ। एंड मेरा मेकअप कैसा लग रहा है ज़रूर बताएगा, ठीक है? अभी मुझे कहीं जाना है उसके लिए मैंने मेकअप किया है, वरना घर पर मैं इतना मेकअप नहीं करती हूँ। तो अभी मुझे मैं लग रही हूँ आप लोगों को गंगा, वो वाली जो एक मूवी थी जिसमें क्या सॉन्ग था, राम तेरी गंगा मैली हो गई करके, ठीक है, एक सॉन्ग था। सो या बातें तो हो गई, बहुत बातें करती हूँ, है ना, चप्पड़ चप्पड़। तो चलिए हेयर्स को ड्राई करती हूँ, ओके? तो पहले तो मैं इसे ओपन कर लूँ। मेरे हेयर्स देखो कितने ज़्यादा लंबे हैं, है ना। सो मतलब मैं हमेशा पता है जैसे नॉर्मली हम लोग हेयर सुखाते हैं ना, वैसे ही सुखाती हूँ, ऐसा ही है कि कुछ अलग सा यूज़ करती हूँ मैं। तो नॉर्मली ऐसे ऐसे हम लोग अपने हेयर्स को करते हैं ताकि जो भी पानी हो वो अच्छे से ये गमछे में एब्जॉर्ब हो जाए एंड अच्छे से वो सूख जाए, निकल जाए बोलना चाहिए। तो सो अच्छे से मैं ऐसे करूँगी। तुम्हें हंसना पसंद है, मुझे हंसते हुए तुम, पता है गाइस मुझे ना ये वाला सॉन्ग बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मैं देख रहे हो कैसे सुखा रही हूँ ताकि मेरे सर में मतलब ना अभी ना, मुझे हंसना पसंद है और तुम्हें हंसते हुए मैं, देख रहे हो मैंने हमेशा वो गाने का बैंड बजा देती हूँ, कभी ये गाना गाती हूँ, कभी वो गाना गाती हूँ, इसमें कभी उसमें जोड़ती हूँ। सो वाह, मेरे हेयर्स कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना। सो चलो सुखा लेते हैं पहले तो। एंड मैंने अपने हेयर्स को ऐसे ही सुखाती हूँ। एंड ज़्यादा क्या करती हूँ मैं, पता है पानी अगर ज़्यादा है मेरे हेयर्स में तो ऐसे ऐसे करती हूँ। ऐसे करने से ना आपके हेयर्स ना मतलब कोम्ब कोम्ब नहीं करोगे ना, फिर भी आपके हेयर्स काफ़ी अच्छे से मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, पूरे ट्रायंगल्स ना हट जाते हैं, ठीक है? तो आप भी ट्राई कर लेना ये वाला, मतलब अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। वाह कितने अच्छे लग रहे ना मेरे हेयर। तो अभी तो मेरे हेयर सूखे भी नहीं है। पता है आप ऐसे अगर अपने हेयर को करते हो ना तो पूरा पानी एब्जॉर्ब हो जाता है और जल्दी से सूख भी जाता है। तो थोड़ा सा टाइम दिया करो ताकि आपके हेयर्स मतलब सूख जाए, ड्रायर यूज़ ना करना पड़े, क्योंकि ड्रायर यूज़ करने से बहुत ज़्यादा है मतलब हेयर फॉल होते हैं यार, और हेयर ना रफ बहुत होते हैं। जैसे अभी देखना मेरे हेयर्स ना बहुत सुंदर शाइन करेंगे, मेरे नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने व्लॉग भी बनाया आज का, तो उसमें आपको दिखेगा कि मेरे हेयर्स कितने शाइन कर रहे हैं ऐसे सुखाने पर, ठीक है? तो आप लोग ना हमेशा मतलब ऐसे ही सुखाया करो अपने हेयर, ड्रायर यूज मत किया करो। सो आप लोग बताओ आप लोग कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मतलब बहुत अच्छी हूँ क्या ही बोलूँ, लेकिन आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं बहुत अच्छी रहूँगी।
सो बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा गाइस, बहुत सारा प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के हेयर को जोड़ के। तुम्हें हंसते हुए मैं बस इतना ही फर्क है तेरी और मेरी आँखों में, तेरी हंसती नहीं कभी हंसी ना है कभी रोना है, ये ज़िंदगी तेरी कहानी। मैं तुझको बताऊँ यारा, मैं तक दी जाऊँ कितने लड़ाइया वे तकिया कितने लड़ाइया वे, तुम जो आई जिंदगी में बात बन गई हो, सपने देखे तो मेरे हेयर से मेरे को बहुत ही अच्छे लगते हैं, मतलब क्या ही बताऊँ, मुझे मेरे ही हेयर से प्यार हो जाता है। एंड आपको मेरे हेयर्स कैसे लगते हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। एंड ये सब ना मामा अर्थ ऑयल का ही कमाल है, सच्ची बता रही हूँ, मैं यहाँ पर प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छा ऑयल है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपके हेयर फॉल हो रहे हैं तो। एंड देखो कितने सुंदर शाइन शाइन से कर रहे हैं ना, एंड थोड़े से तो हेयर फॉल होंगे क्योंकि अभी उलझ भी जाते हैं। सो गाइस, मैंने अपने हेयर को बहुत ही अच्छे से ड्राई कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हो, देखो मैं पास से दिखा दे रही हूँ, बहुत अच्छे से सूख भी गए हैं, मतलब बहुत ऑलमोस्ट सूख गए हैं, बस थोड़ी देर और फिर मेरे हेयर में बहुत अच्छे से सूख जाएंगे। सो आप भी ना अपने हेयर को इसी टाइप से देसी स्टाइल में ही सुखाया करो, ड्रायर ना बिल्कुल यूज़ मत किया करो, ठीक है? आपके हेयर को बहुत हार्म होता है ना, तो आप लोग नहीं चाहोगे कि आपके हेयर को हार्म हो, तो आप लोग ऐसे ही सुखाया करो अपने बाल को। एंड मेरे हेयर तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, अभी देखना कुछ टाइम में ना बहुत सुंदर लगेंगे। उसके लिए आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो प्लीज़ कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, पैसे तो नहीं लगता है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पास में ना बेल आइकन आएगा, घंटी आएगी, उसे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि जो मैं अपलोड करूँ तो आप नोटिफाइड हो और सबसे पहले वीडियोज़ को वॉच कर सको। सो या चलिए, अब मैं आपको नेक्स्ट और अमेजिंग वीडियोज़ के साथ मिलूँगी, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल, बाय। Bye-bye.